You're listening to True Crimes Podcast with Shahid Hussain. Assalamualaikum viewers, आज हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज के बहुत मायानाज मशहूर शाहिद हुसैन कोर्ट रिपोर्टर. आज इन्हें हमने दावत दी है अपने पॉडकास्ट में आने के लिए. तो अस्सलामुअलैकुम शाहिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. शाहिद भाई, आज हमने आपको जो है ना एज ए कोर्ट रिपोर्टर नहीं बुलाया है दुआ जहरा के केस में. आपको मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी बताती हूँ. हम लोग जो है दुआ जहरा की केस की जो स्टोरी है, मैं और मेरे साथ एक और हैं राइटर हमारी, हम लोग बैठे हुए लिख रहे थे. तो हमने कहा इतना सारा कुछ हो गया है, पब्लिक को इतना सब कुछ पता है, तो हम लोग जो है ना थोड़ी सी सिर्फ कोर्ट की डेट के हिसाब से जो अपडेट्स हैं वो अपनी स्क्रिप्ट में डाल देते हैं और उसके बाद एक छोटी सी उसके ऊपर स्टोरी बना देते हैं. तो जब हमने अपनी स्टोरी बनाई कोर्ट की डेट के हिसाब से, अपडेट पूरा मतलब उसको कंप्लीट कर लिया, तो बीच में उसे भी लगा कि कुछ मिसिंग है और मुझे भी लगा कुछ मिसिंग है. हमने कहा क्या मिस हो रहा है, कहानी इतनी इनकम्प्लीट क्यों लग रही है. तो उसमें हम दोनों ने ये डिस्कवर किया कि इसमें जो है ना शाहिद हुसैन का वो एक जो उन्होंने एक दफा एक व्लॉग डाला था ये कह के कि आपने एक एक बहुत बड़े कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट करी है, आपने ये वर्ड यूज किए थे कि कोई चीता चीता कहा था आपने उन्हें कि वो रिपोर्टर जो है वो आ चुके हैं तो अब इंशाल्लाह केस जो है वो अच्छे उसमें चलेगा. तो उन्होंने कहा कि ये जरूर उसमें हमने ऐड करना है क्योंकि आज केस वहां नहीं होता जहां हम देख रहे हैं. इसमें शाहिद हुसैन का और जो बाबर सलीम है उनका बहुत बड़ा हाथ है. तो अगर दो इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हम अपनी कहानी में मेंशन नहीं करेंगे तो कहानी इनकम्प्लीट है उनके बगैर. तो इसलिए आज मैंने आपको एक क्या कहना चाहिए कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कहानी के हिसाब से इसलिए इनवाइट किया है, ना कि एज ए कोर्ट रिपोर्टर. आपका बहुत शुक्रिया. देखिए, दुआ जहरा का जो केस है, आप इसमें 100 किताबें भी लिख देंगे शायद वो भी कम पड़ जाएंगी, और आप कहेंगे कि आप लिखे जा रहे हैं और उसके बाद फिर लोग शायद बोर हो जाएंगे, तो लोग नहीं बोर होंगे, लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कराची से नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप जैसे वहां हैं उस मुल्क में, दूसरे मुमालिक में भी लोग जानना चाहते हैं, और इवन के इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ईरान में लोग देखते हैं, सुनते हैं, और इतने लोग मैसेजेस कॉल करते हैं कि आपकी सोच होगी. वो सिर्फ मेहदी कादमी दाहिर है, उनसे रब्ता लोगों का बहुत कम है, लेकिन वो उतना ही भरोसा हम सब पे करते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो समझ लें कि मेहदी कादमी ही कर रहे हैं. जितना मेहदी कादमी के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, हम सब पे ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि हम जो बात कर रहे होंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, और वो साबित हुई, वक्त ने साबित की वो. अच्छा, जहां तक इस केस का ताल्लुक है, आपने कल ही आपने शायद देखा हो यूट्यूब पे कि इसी टाइप का केस दुआ जहरा की उम्र 13-14 साल थी, और वो बच्ची एक थी उम्मेहानी जिसकी उम्र 11 साल, खुद 6ठी क्लास की स्टूडेंट थी, और डॉक्यूमेंट सारे मैंने कोर्ट में जब देखे तो उनके सबसे पहले उस केस को मैं सामने लेके आया, और वो बाप जदोजहद करने के बावजूद वो आज तकरीबन 99% मुझे लग रहा है कि वो कंप्रोमाइज कर रहा है. और मेहदी काजमी ऐसा है जो चीजें सामने आने के बाद, उनको तो खुद एक्यूरेट पता था कि उनके साथ क्या हुआ है, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, लेकिन जो पब्लिक नहीं हो रही थी, आपको पता है कि घुमाने में हमेशा झूठ बोलने वाला अभी भी जो आपको नजर आते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी, ऐसे वसूख से झूठ बोलते हैं कि पूरी पब्लिक को कहेंगे ये गलत है, झूठ बोल ली और हम सच बोल रहे हैं, हालांकि वो सबसे बड़े झूठे होंगे. लेकिन इन चीजों को, झूठों को झूठा साबित करने के लिए मेहदी कादमी ने 8-9 महीने मेहनत की, और उसमें चूंकि ताखीर हो जाती अदालतों में और पुलिस में, आपने खुद देखा था डे वन से कि आईजी से लेके तफ्तीशी अफसर, हर एक पुलिस वाला और सिंध गवर्नमेंट का हर वो आदमी जो इस केस से जुड़ा हुआ था या नहीं भी जुड़ा हुआ था, वो ये कह रहा था कि नहीं, बच्ची अपनी मर्जी से गई है, लव मैरिज है और मामला खत्म हो गया. और उसके बाद फिर इस स्टोरी पे भी कोई यकीन नहीं कर रहा था कि बच्ची अगवा करने के लिए कोई आया था यहाँ पे. बाबर सलीम सीनियर सहाफी हैं, हम एक दूसरे को तकरीबन कोई 2008 से जानते हैं, 2015 में 92 टीवी चैनल नया नया आया था, तो उस वक्त हमारा एक ही इदारे में पहली दफा हमने साथ काम किया था. उसके बाद फिर तकरीबन 2.5-3 साल एक साथ काम किया, फिर वो दूसरे चैनल में चले गए, मैं दूसरे चैनल में, लेकिन एक भाइयों वाला एक रिश्ता है, ताल्लुक है, और मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मेरी रिक्वेस्ट ना सिर्फ माने बल्कि उन्होंने इस तरह अमल किया कि एक केस की कहने के पास ही पलट दिया.
अब आपको खुद पता है कि इस केस में मुल्जमान का सुराग लगाना हो, उनका सीडीआर निकालना हो, हमें यहाँ पुलिस वाले बताते हैं कि एक तफ्तीशी अफसर को एक केस की तफ्तीश करने के लिए अपने ही डिपार्टमेंट में कोई डॉक्यूमेंट्स हासिल करने हो तो पुलिस वाले को रिश्वत देनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट में एक तफ्तीशी अफसर को। तो यहाँ पर अगर इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई तफ्तीशी अफसर कर रहा होता तो अपनी जेब से वो पैसा लगाता नहीं, अगर लगा भी लेता तो इस तरह शफाफ तरीके से बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट या इस तरह का उनका सीडीआर, उनका लोकेशन, ये सारी चीजें ना निकलती। लेकिन बाबर सलीम ने जिस तरह जदोजहद की और वो चीजें लेके आए जो कि पुलिस मानने पर वो उनको मानना पड़ा, यानी कि वो इनकार नहीं कर सकती थी, नीचे से एक तफ्तीश अफसर से लेके आईजी तक, और यही हर जगह पर वो काबिले कबूल हुई कि हाँ बाकी इंसिडेंट इसी तरह का हुआ कि बच्ची को अगवा करके ले जाया गया है और किस किस तरह ले जाया गया वो सारा उन्होंने लोकेशन के साथ बयान किया और अदालत के रिकॉर्ड पे आ चुका है। और उसके बाद फिर उम्र का तायुन हुआ, तफ्तीश अफसरान की तब्दीली हुई, वो सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ फिर एक और करेक्टर जो है वो जिब्रान नासिर है। जिब्रान नासिर बिल्कुल देखें यहाँ पे कराची के, पूरे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और वो समझते हैं कि हमें अगर मुश्किल वक्त में अगर कहीं फंसे हुए हैं तो अगर कोई दिला तफरीक हमारी कोई मदद के लिए खड़ा होता है तो वो जिब्रान नासिर खड़ा होता है। जिब्रान नासिर ने, मैंने चूंकि फीस लेके वकीलों को नखरे करते हुए देखा, जिब्रान नासिर ने फीस ना लेके दिन में तीन तीन चार चार जगह अलग अलग अदालतों में जाके एप्लीकेशन फाइल की और अपनी वेकेशन थी गर्मियों की, अब सर्दियों की शुरू हो चुकी है, अपना पूरा स्टाफ इस केस में लगा दिया, सारे काम छोड़ दिए और उसके बाद आपने देखा कि केस किस तरह सीधा हो गया। अब मामला ये है कि जो आप बोलेंगी कि ये सारी चीजें सीधी हो गई हैं तो फिर मामले में ताखिर क्यों हो रही है, क्यों मुल्जमान को अब तक सजा हो जानी चाहिए थी, बच्ची माँ बाप के पास चली जानी चाहिए थी। लेकिन देखें एक खामियां है हमारी अदालती निजाम में और इन्हीं खामी की वजह से एक राइट पे होने के बावजूद पाकिस्तान में, सिंध की अगर मैं अतरब अदालतों की, हाई कोर्ट्स की बात करूं तो इस वक्त तकरीबन 80,000 से 90 लाख केसेस पेंडिंग है। 80,000 से 90 लाख कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे ट्रायल कोर्ट्स की, ट्रायल कोर्ट में तकरीबन 1,20,000 से 1.5 लाख के दरमियान केसेस पेंडिंग है। वो मेहदी अली काजमी जैसे लोग हो सकते हैं, वो मजलूम हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं जिनको इंसाफ के लिए तलबगार हैं, उनकी जिंदगी की सारी चीजें इन केसेस से जुड़ी हो सकती हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो वजह क्या है, ये मेहदी काजमी या मुलजमान या वो नहीं है, ये हमारे निजाम की खामियां हैं जो लोगों को बर वक्त, अपने मजलूम लोगों को बर वक्त इंसाफ फराहम नहीं करती। इस वजह से ये मामला रुका हुआ है कि अगर एक आदमी राइट पे भी होता है लेकिन जो दूसरी साइड का, अदर साइड का कोई चीज पार्टी होती है, फरीक होता है या मुलजिम आप कह लें, तो उनके पास इस तरह की बीच में जुगाड़ वाली चीजें होती हैं कि कहीं ना कहीं वो जाके मुद्दई को फंसा देती हैं और पुलिस और हमारी रियासत वहां बेबस हो जाती है। तो यही वाली सूरत हाल है, बाकी केस उनके हाथ में है और उम्मीद है ना बच्ची वापस जाएगी और मुल्जमान को सजा भी होगी इस बुनियाद पर कि मुल्जमान ने बच्ची को अगवा किया, ट्रैप किया और उसके बाद फिर जगह जगह जाके झूठ बोले। केस चलेगा तो जाहिर है उनको सजा होगी लेकिन बीच में थोड़ा लटका हुआ है, लेकिन उम्मीद है बर वक्त नहीं तो थोड़ा सा देर से सही, लेकिन बच्ची माँ बाप के पास जरूर जाएगी वापस। जी अच्छा शाहिब भाई, ये बताइए कि आप ही ने बहुत सारे केसेस रिपोर्ट करे कि अक्सर ये होता है कि कमसन बच्चियां आती हैं, कम उम्र बच्चियां कोर्ट के अंदर आती हैं और अपना आई थिंक उसको 164 का बयान कहते हैं वो दे के चली जाती हैं और सिर्फ सिर्फ उनकी जबान के ऊपर जो है, जबानी स्टेटमेंट के ऊपर बगैर किसी एविडेंसेस के जजेस ऐसी बच्चियों को जो मुलजिम होते हैं, जो जिन्होंने अगवा किया होता है बच्चियों को, उनके साथ वापस भेज देते हैं। ये ऑलमोस्ट हर हर केस जो हम देखते हैं कमसिन बच्चियों के अगवा का, उसमें जिसमें निकाहनामा सामने आ जाता है उसमें यही होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सबसे पहली गलती उधर ही से होती है, वही सबसे बड़ा स्टेप है जहाँ पे कोई चेंज आना चाहिए, कुछ कानून में चेंज आना चाहिए कि ये बच्चियां जो कोर्ट में आके बयान देती हैं एविडेंसेस के बगैर, और इसके बरअक्स जो पेरेंट्स होते हैं उनके उनके पास भर हाथ एविडेंस होते हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ये बे फॉर्म है, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती और सिर्फ बच्ची की जबान की वैल्यू की जाती है और उस पर उसको भेज दिया जाता है विदाउट एविडेंसेस। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस जगह के ऊपर से ही सबसे बड़ा ब्लंडर इधर ही हो जाता है और यहाँ से केस खराब होना शुरू हो जाता है? जी
देखें, एक चीज मैं आपको बातें करूं कि जो हाई कोर्ट्स में आते हैं, सबसे पहले मैं इसकी चीज आपको बताऊं कि हाई कोर्ट में जो केस आता है, अदालत बच्चे का महज स्टेटमेंट लेने के बाद उसको भेज क्यों देती है। हाई कोर्ट के कई फैसले ऐसे हैं, ये फैसला दुआ जहरा का हो, निमरा काजमी का हो, कई ऐसे फैसले थे जिन पे हम मुसलसल तनकीद करते हुए आए हैं और कर भी रहे। हाई कोर्ट से हमें पता ये चलता है कि हाई कोर्ट में केस आया क्या था। हाई कोर्ट में केस ये आता है कि बच्ची की तरफ से बाद दफा कि मुझे मेरे माँ बाप और मेरे मुबैना जो शोहर है उसके घर वालों को उनकी जान से खतरा है, यानी कि माँ बाप की तरफ से जान को खतरा है, तो लिहाजा हमें तहफुज फराम किया जाए। बच्ची का स्टेटमेंट लेती है कोर्ट, और उसके बाद फिर जो माँ बाप है उनको नोटिस जारी करती है। माँ बाप अगली डेट पे तफ्तीशी अफसरान और पुलिस जो है वो नोटिस पे अदालत में आते हैं और कहते हैं, देखें हमने जो है बच्ची अगवा करके ये मुल्जिम लेके गया था जो उसका मुबैना शोहर है, और हमने उसके खिलाफ अगवा की FIR दर्ज करवाई हुई है। अब कोर्ट में क्या मामला होता है कि हमें हरास किया जा रहा है, यानी कि बच्ची कहती है मेरी जान को खतरा है, लिहाजा तहफुज फराम किया जाए। अब कोर्ट कहती है कि देखें जी, ये केस था कि तहफुज फराम किया जाए, इसके अलावा शादी गलत है, ठीक है, आपने जाके ट्रायल कोर्ट में उसका FIR की रोशनी में जाके फैसला करवाना है। हमारा जो डोमेन था वो इतना ही था कि बच्ची को हरास नहीं किया जाएगा। या कभी दूसरी तरफ से ये आता है कि माँ बाप की तरफ से दरख्वास्त दायर की जाती है कि हमारी बेटी फलां फलां टाइम पे इतनी उसकी उम्र है वो लापता हो गई है, और हमें शक है कि फलां आदमी अगवा करके ले गया है, तो उसको बाजियाब कराया जाए। उस केस में पुलिस जो है वो पुलिस कोर्ट जो है मुतलका अदालत को नोटिस जारी करती है, प्रोसिक्यूशन को, तफ्तीशी अफसर को, और उस बंदे को जो मुल्जिम होता है उसको नोटिस जारी करती है, तलब करती है। एक दो डेट पे शायद नहीं आते, लेकिन जब आ जाते हैं, बच्ची का स्टेटमेंट होता है कि भाई मैंने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली, मुझे तो किसी ने अगवा नहीं किया। अब यहाँ वालिद की तरफ से या वालदा की तरफ से दरखास्त क्या होती है कि बच्ची जो है अगवा करके ले जाई गई है, और यहाँ पर तो हमें खतरा है कि आगे फरोख्त कर देगा। तो कोर्ट में जो दरखास्त आती है वो अगवा करने की या उसमें वो बच्ची को बाजियाब कराने से मुतालिक दरखास्त होती है। कोर्ट कहती है उसमें भी यही वाली बात कि आपको अगर ये है कि बच्ची आपकी माइनर है तो आप ट्रायल कोर्ट में जाए, वहां पर चूंकि फैसला जो करना है शादी गलत है, ठीक है, कम उम्र की शादी है या मुकम्मल उम्र की शादी है, वो ट्रायल कोर्ट ने करना। हमारा डोमेन सिर्फ इतना ही था कि बच्ची आपकी बाजियाब कराकर सामने ला दी, अब बच्ची जहां जाना चाहे वो जा सकती है, हम उसको नहीं रोक सकते। अच्छा, जो अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, खामी अदालत के एंड पे बहुत कम और इब्तिदा में वहां पर है जहां पर बच्ची को ले जाया जाता है। आप मस्जिद के मौलवी के पास ले जाएं, कोर्ट मैरिज करवाने के लिए ले जाएं, या निकाह खान और रजिस्ट्रार के पास ले जाएं, असल खामी वहां पर है। उनको खौफ नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। आपको याद होगा जब आप केस अगर ये फॉलो कर रही हैं, तो इब्तिदा में आजकल जो दुआ गहरा के केस यहाँ पर चल रहा है, इन्होंने मुल्तमान जो कि निकाह खान और गवाह थे, इनकी दरखास्त जमानत ये कहकर मुस्तरद की थी कि महज जबानी स्टेटमेंट के ऊपर बच्ची का अगर कोई बयान लिया जाता है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, और ये मुल्तमान उस चीज के बराबर के शरीक है, यानी कि मुजरिम है, इनको इनकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती। और अदालत ने कहा था कि तमाम एविडेंस देखने के बाद रजिस्ट्रार और निकाह खान जो है बच्चियों का निकाह पढ़ाया करें। उस पर वो एक फैसला हो गया, कुछ दिन टीवी में चल गया, अखबारात में छप गया, उसके बाद उस फैसले को कोई नहीं छेड़ता, वो उसमें कुछ अरसे बाद उस फाइल में मिट्टी धूल जम जाएगी और वो इसी तरह किताबों की जीनत बना रहेगा, उसको उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करेगा। लेकिन असल जो कार्रवाई होनी है या कार्रवाई करने की जरूरत है वो निकाह खान, गवाह, और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार, जिसके पास जाके आप नादरा में या सरकारी तौर पर रजिस्टर करवाते हैं, और उसके बाद फिर अगर बच्ची को कन्वर्ट करते हैं, बाद दफा आपने कन्वर्ट करने के देखे होंगे केसेस, क्रिश्चियन जी बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को, उसके बाद फिर इसी तरह मुख्तलिफ मजाहब की जो बच्चियां हैं वो उनको कन्वर्ट करके, जबरदस्ती कन्वर्ट करने के बाद उनसे निकाह करवा लिया जाता है, तो उस मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो ये काम करता है कि माइनर बच्ची का बयान वो कैसे काबिले कबूल होगा, वो कैसे कह सकती है कि मैं हिंदू से या क्रिश्चियन से मुसलमान हो गई हूँ लिहाजा मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ। माइनर बच्ची का कानून के मुताबिक कोई स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है, जब उसकी हैसियत किसी स्टेटमेंट की हैसियत नहीं है, वो मुसलमान कैसे हो सकती है, यानी कि वो कलमे को कैसे समझ सकती है कि वो उसकी फलाह का रास्ता है और यही उसकी उसकी शादी का सबब भी बन रहा है। तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ रियासत को जरूरत है, ये बाकी अदालतों में पुलिस प्रोसिक्यूशन ये बाकी बाद के मामले। लेकिन जो आपको पता है कि हुकूमतें हमारी कानून बनाती हैं, अमल दरामद कख नहीं करती, उसमें टके का अमल दरामद नहीं करती। यही वाले सेम चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है, रोजाना 2, 4, 5, 6 इस तरह केसेस आते हैं, बाकी दर्जनों के हिसाब से बच्चियां अगवा हो रही हैं, माइनर बच्चियों की शादियां भी हो रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत हो या हमारी कोई भी सूबे की हुकूमत हो, उस वक्त तो अपने वाह वाह करवा लेती है कि हमने बड़ा अच्छा कानून पास कर लिया, उस कानून पर अमल दरामद कितना हो रहा है वो कोई नहीं देखता। सही। अच्छा शाहिद, आप ये बताइए मुझे कि अभी पंजाब के अंदर हम लोगों ने देखा कि टीवी कमर्शियल्स काफी आ रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि अब जरूरी हो गया है लड़की और लड़का के लिए
निकाह के वक्त हलफनामा देना इस चीज का कि मतलब कलमा के ऊपर हलफनामा देना कि अल्लाह की जो जात है वो एक है और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। पहले हलफनामा दिया जाएगा, जमा कराया जाएगा और उसके बाद निकाह होगा। तो उस हलफनामे में थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी थी तो मुझे ये पता चला था कि बच्ची के डॉक्यूमेंट्स, लड़के के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जमा होंगी, तो इससे उनकी शायद एज जो डिटरमाइन होती है वो भी पता चल जाएगी। तो ये आपको लगता है कि ये काइंड ऑफ एक अच्छा स्टेप है, पंजाब में ये हुआ है, आप अवेयर हैं इससे या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी स्टेप स्टेप अच्छा है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं होगा। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो एज की लिमिट रखी हुई है 16 ईयर रखी हुई है पंजाब में, और यहाँ सिंध में 18 ईयर से, और वहां पर जो है, हाँ, और वहाँ पंजाब में कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसको बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें होंगी तो शायद फायदा हो सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि अमल दरामद ना सिंध में होता है ना पंजाब में, केपी और बलूचिस्तान में कानून बनाए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। अगर ये हो जाएगा तो बेहतर होगा, लेकिन ये चूंकि अभी इब्तदा है तो खबरों में तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अमल दरामद करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई एक्टिव हो, कोई अमल दरामद सर, इसके ऊपर कौन मतलब ये कि कौन अमल दरामद करा सकता है इन चीजों के ऊपर, ये किसके हाथ में है, ये मतलब इसके ऊपर कौन, इसको कौन मोनेटाइज कर सकता है, मेरा सवाल ये है। देखें देखें देखें, जैसे सिंध गवर्नमेंट है, लोग समझते हैं सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, मतलब वजीर आला मुराद अली शाह है और उसके नीचे फलां फलां वजीर हैं, लेकिन इतने सारे वजीर, इतने सारे मुशीर और उसके बाद इनके जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, उनको सबको अलग अलग डिपार्टमेंट असाइन किए जाते हैं। मतलब मुराद अली शाह का ये काम नहीं है कि अगर कोई एक FIR कहीं कट गई है या कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ तो मुराद अली शाह जाके ठीक करेंगे, उन्होंने मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है, वो अमल दरामद उनके काम है कि अमल दरामद करना। यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे महकमा कानून है, और महकमा कानून का काम है कि जो कानून असेंबली ने पास किया था क्या उसको उस पर उसी तरह अमल दरामद किया जा रहा है जिस तरह कानून बनाया गया था, उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वो काम नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। कोर्ट अगर कभी किसी इस पे दरखास्त पे किसी केस में उनको बुला ले तो उसमें भी महीनों का टाइम लिया जाता है कि देखें जी हमें जवाब जमा कराने के लिए टाइम दिया जाए, थोड़ा सा हम देख लेंगे। इसी तरह पंजाब में भी यही कुछ चल रहा है, जैसे मैं पेंडिंग केसेस की तादाद आपको सिंध में बता रहा था, उससे दुगनी तादाद लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में, और उससे कहीं ज्यादा दुगनी तादाद लाहौर की ट्रायल कोर्ट्स यानी कि जो छोटी अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर पेंडिंग केसेस की तादाद है। तो ये काम है हमारे जो महकमा कानून है, पंजाब का हो या सिंध का हो, इनके अपने अपने सूबे में काम है, जिन्होंने काम करना है, यानी कि केसेस निपटाए जा रहे हैं नहीं निपटाए जा रहे, जिस कानून के तहत मामलात को देखना था उसी तरह देखा जा रहा है या नहीं जा रहा, वो नहीं देखते। सिर्फ कुछ अरसे के लिए तो टीवी और खबरों की जीनत बन जाता है, उसके बाद अमल दरामद नहीं होता उस पर। सही। अच्छा, अब हम वापस से आते हैं, हमारा जो 2000 का जो केस है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। सर, इनिशियली केस बहुत खराब हुआ, ठीक है, आई थिंक उस पॉइंट तक खराब होता गया जब तक जिब्रान नासिर पिक्चर में नहीं आया, और फिर ऑब्वियसली आप और आपका जो इनको इनवाइट करना था बाबर सलीम को, और फिर इनकी जो एफर्ट्स थे वो सब अपनी जगह, जब तक आप तीनों की तरफ से इसके ऊपर मेहनत नहीं की गई थी, जिब्रान नासिर आपकी और बाबर सलीम की तरफ से, इससे पहले केस हो रहा था खराब, बहुत खराब हो रहा था, आपके हिसाब से क्या वजह है उसकी? देखें, पहले तो पुलिस मान ही नहीं रही थी ना, यहाँ पर कई, अगर थोड़ा सा एक सेकंड मुझे मतलब एक मिनट दीजिएगा, उसमें अक्सर हम जब ये क्राइम की इंसिडेंट देखते हैं ना कि गन शॉट हो जाता है कि किसी को सर में गोली लग गई, किसी को सीने में गोली लग गई, तो पहली कोशिश ये होती है उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल जब आप एम्बुलेंस के जरिए देखें वो बिल्कुल सायरन बजाती हुई, शोर शराबा करती हुई जब हॉस्पिटल पहुंचती है, तो हॉस्पिटल वाले जब देखते हैं ना उसके किस पॉइंट पे उसकी गोली लगी है, तो वो देख के खामोश हो जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। किस वजह से? कि कुछ देर में मर जाएगा, ये उनका इब्तदा में ये होता है। कराची में या सिंध में या पूरे पाकिस्तान में अगर कोई बच्ची मिसिंग हो जाए जिसकी उम्र 18 साल हो, 20 साल हो, 35 साल हो, या उसकी कम उम्र यानी कि माइनर हो या बिल्कुल 2-2.5 साल की भी हो, या इस तरह जैसे भी बलूगत वाली उम्र है 10-12 साल के बाद भी अगर कोई बेहतर बच्ची होती है, तो पुलिस सबसे पहले माँ बाप अगर शिकायत लेके जाते हैं तो उनको ये होता है कि जी बच्ची ने शादी कर ली होगी, अपनी मर्जी से चली होगी, एक दो दिन में निकाह नामा आ जाएगा, सब्र कर लो।
और यही होता है कि पुलिस उनको बच्ची को ढूंढने के बजाय, बच्ची को तलाश करने के बजाय, माँ बाप को दिलासा देने के बजाय महज इस बात का इंतजार कर रही होती है कि बच्ची का निकाह नामा आ जाएगा और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। और यही होता है कि कहीं भी अगर कोई निकाह करता है लाहौर में जाके बच्ची को, कराची से उसने अगवा किया, तो उसके बाद दो तीन चीजें होती हैं। मुतलका जो थाना है, यानी कि जिस थाने में की हदूद में खुद रहता है उस थाने में, और जिस थाने की हदूद से बच्ची को अगवा करके या उसको मुबैना शादी के बहाने ले गया है उस थाने की, और उसके बाद यूसी और माँ बाप के एड्रेस के ऊपर निकाहनामा टीसीएस करा देगा और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और पुलिस के पास जब मिलेगा, पुलिस कहेगी देखें जी बच्ची ने तो शादी कर ली, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये मामला मतलब इतना ही है। शुरू में जब बच्ची का ये सीन हुआ, और आपने देखा मेरे ख्याल में तारीख में सबसे ज्यादा ये रिपोर्ट होने वाला केस है दुआ जहरा का, और हर इदारा हर एजेंसी इसमें इन्वॉल्व थी, और उन एजेंसियों ने पुलिस ने जो कुछ निकाला उससे कहीं ज्यादा डेटा कलेक्ट कर लिया था, लेकिन चूंकि केस का एंगल चेंज हो गया तो वो चीजें वहीं दफन हो गई या अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। मामला ये है कि इस केस को लेके कि वो एजेंसियों ने उस तरह या पुलिस ने उस तरह उनको वो ट्रीट ही नहीं किया कि इसको इंतजार करते रहे कि निकाहनामा आ जाएगा। और कुछ दिन बाद आपने देखा कि वो बच्ची का निकाहनामा सामने है, और उसके बाद फिर चीज का केस का रुख ही तब्दील किया गया। ये तो देखें मेहदी काजमी या इनके खानदान पूरे एक चैन की तरह जुड़ा हुआ है, उन्होंने जस्तुजू की, वो डे वन से घबराया नहीं, शर्माया नहीं कि देखें जी बेटी का भाग गई या बेटी को कोई भगा के ले गया तो हमारे जो है ना वो खानदान में इज्जत खराब हो जाएगी। नहीं, उन्होंने फाइट किया, उन्होंने फाइट किया तो फिर केस का आपको रुख तब्दील होता हुआ नजर आया। पुलिस का तो स्टांस जब भी हाई कोर्ट में केस आ गया था मई और जून में, जब शुरू में आ गया था, आईजी का तो उस वक्त उसके बाद भी स्टेटमेंट यही थी कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है। और जब 6 जून को बच्ची हाई कोर्ट में पेश हो गई, उस वक्त एडवोकेट जनरल जो कि सूबे को सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, प्रोसिक्यूशन के सबसे सूबे के बड़े हेड जो कि पूरे सिंध की प्रोसिक्यूशन को देखते हैं, वो अदालत के अंदर आज जो मुल्तान साइड के जो यूट्यूबर्स हैं वो यही तो हवाला देते हैं, ये सिंध के सिंध हुकूमत और उनके प्रोसिक्यूशन एडवोकेट जनरल अदालत में कह रहे थे ये केस बनता ही नहीं है। मामला ये है कि जब चीजें ये खुल के सामने आई, यही वाली बात के उनकी लोकेशन ट्रेस हुई, पता चला कि किस तरह उन्होंने अगवा किया, कॉल डेटा सीडीआर, और उसके बाद फिर ये जो सुजू की जिब्रान नासिर ने, सारी चीजें जब सामने आती गई तो उसके बाद फिर पुलिस को और जो उनके मुल्तमान साइड को सपोर्ट करने वाले थे उनको सरेंडर करना पड़ा, लेकिन अब तो बेनकाब हो गए, अब हमारे पास बचने का चारा नहीं है। तो वो चीजें खुल के उस वक्त सामने आई जब ये माँ बाप ने हिम्मत की। अगर माँ बाप उस वक्त थक हार के बैठ जाते कि देखें जी बच्ची का निकाहनामा आ गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम क्या क्या करेंगे, फाइट करके भी क्या कर लेंगे, लेकिन उन्होंने फाइट की और आज तक कर रहे हैं, और मुझे यकीन है आगे भी करते रहेंगे। आज भी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे देखें जी उम्मे हनी के बाप ने जो है वो बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बच्ची को कबूल कर लिया है, तो क्या मेहदी काजमी भी कर लेंगे। मेहदी काजमी का मुझे जो लगता है, जो मैं इतने अरसे से उनके करीब रह के उनके केस को रिपोर्ट करके समझ सका हूँ, वो अगर कहीं किसी अदालत से उनको इंसाफ नहीं मिला तो तभी वो चैन से नहीं बैठेंगे कि नहीं कि मैं हार गया और फिर उसके बाद फिर मैं सरेंडर करूँ और मैं जाके माफी मांग लूँ, कभी भी नहीं करेंगे। वो उनको अपना करीबी से करीबी अजीज उनको कोई मशवरा दे दे या कोई बहुत बड़ा हमदर्द के भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप बच्ची को इसी सूरत कबूल कर लो, वो कभी भी कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि मुझे कानून और जो किताबों में लिखा गया है वो मुझे रास्ता देता है, तो फिर मैं क्यों हर बात पे जाके कम्प्रोमाइज कर लूँ, कानून की किताबों में लिखा हुआ है तो मैं मुझे उस हिसाब से ही मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं बस मैंने इतना उनको जैसे पहले तो हाथ नहीं आ रहे थे, जब कोर्ट के फोरम पर वो मेरे हाथ आ गए, यानी कि अब आमना सामना हो गया तो मैं बैठ के सुलह सफाई कर लूँ, कभी भी सुलह सफाई करने वाले नहीं है। ये मेरा मशवरा नहीं है, मेरी राय या मेरी वो नहीं है कि हम सब भी इस तरह उनको उकसा रहे हैं, वो उनकी जाती राय है, वो हमेशा इसी बात का इजहार करते हुए हैं, आपने भी सुना होगा, तो कभी भी कम्प्रोमाइज इस मामले में नहीं होगा जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी भी नहीं करें, और हमारी तरफ से भी यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि मेहंदी अली काजमी जो है वो मजबूत कदम खड़े रहिए, वो जो स्टांस उनका है शुरू दिन से वो अब जाहिर हो रहा है कि जाहिर सी बात है कि वो सच पे थे, हक पे थे, और अब उनको इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। अच्छा पुलिस सब जानते हैं बहुत, यानी कि तो कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट सेइंग कि पुलिस बिकाऊ होती है, लेकिन अब मैं बहुत सारी आपकी भी वीडियोस देखती हूँ और उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, पब्लिक ज्यादातर जनरल पब्लिक जो है उसका मानना ये है कि जी जुडिशरी भी जो है ना बिकाऊ है, जुडिशरी भी बिकाऊ होती है, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जुडिशरी बिकाऊ तो नहीं होती, शायद पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती हो कुछ, किसी इन्फ्लुएंस में किसी, क्योंकि पॉलिटिशियंस ही हायर करते हैं जजेस को, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, बिकाऊ नहीं होती है, लेकिन आपका इसमें क्या कहना है सर?
देखें पुलिस के आपने जो पहले तफ्तीशी अफसर थे, दूसरे तफ्तीशी अफसर थे, तीसरे और चौथे तक आपने उनको देखा होगा। उनके रवैये से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो सिर्फ ये केस नहीं, इसके अलावा भी पता नहीं वो आवाम के साथ क्या कुछ करते होंगे। बिल्कुल बाकी अदालत को, अदालत जो फैसले करती है, क्योंकि अब मैं किसी और बीच का यानी कि कोई और फील्ड की रिपोर्टिंग करने वाला आदमी तो अदालत को एकदम जो है वो खराब बोल देगा कि वो अदालत हमारी बर वक्त इंसाफ नहीं करती। मैं चूंकि अदालतों से मेरा वास्ता होता है तो मैं समझता हूँ कि क्राइम रिपोर्टिंग या एजुकेशन हेल्थ की निस्बत मैं अदालत को ज्यादा समझता हूँ। अदालत जी फैसला उस वक्त करती है या उन चीजों की रोशनी में करती है जो उनको फराहम की जाती है पुलिस की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से। उनके पास जो मवाद आता है उस मवाद की रोशनी में अदालत फैसला करती है। वो बाद मवाद गलत भी होता है, बाद मवाद ठीक भी होता है। एविडेंस जिस तरह जो मैं कह रहा हूँ, मवाद मीन्स एविडेंस। अच्छा, अब दूसरा ये है कि हमारा जो अदालती निजाम है वो अगर बिकाऊ या उसके अंदर झुकाव ना हो लेकिन फ्लेक्सिबल जरूर है, ये बात मैं मानता हूँ। उसमें जहाँ जजेस को अपनी करेज दिखानी चाहिए, जहाँ उनको पता होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जी बाज दफा जजेस कहते हैं फिल्मों में कि जब हमारे पास केस आता है तो हम उसी दिन समझ जाते हैं कि केस है क्या, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि कौन क्या मवाद पेश कर रहा है, उसके बाद फिर हमने फैसला करना होता है कि बिल्कुल किस केस के मवाद में ज्यादा जान है। तो हमारे जजेस को पता होता है कि कौन गलत है कौन ठीक है। लेकिन यहाँ पर मतलब फ्लेक्सिबल इतना है कि वो जजेस अपनी करेज और अपनी हिम्मत का मुजाहरा नहीं करते, उनको पता जरूर होता है लेकिन वो करते नहीं है, उनको करना चाहिए। छोटी सी मैं अगर एक मिसाल दूं, आज ये केस आपने अक्सर खबरों में देखा होगा कि कराची के पोश इलाकों में घरों में जो काम करने वाले मुलाजमीन थे उन्होंने डकैती मार ली और उसके बाद फला फला सामान लेके अपने गाँव फरार हो गए, फला फला फरार हो गए। आज दो मुल्जमान थे जिनकी बेल लगी हुई थी जस्टिस आफताब अहमद गुरड़ की अदालत में, प्रोसिक्यूशन ने इंतहाई बकवास दलाल दिए, जो एविडेंस बना ही नहीं पा रहे थे कि उनके मुल्जमान जो उनके खिलाफ केस क्या है, आए बाएं शाएं। इसी तरह जो मुद्दई जिनके घर पे डकैती पड़ी थी उन्होंने कुछ जज्बाती बातें की, देखें जी कराची में जिस तरह की डकैती और चोरी और इस तरह की वारदातें हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, लोग घरों में महफूज नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर लोग या तो खुद फैसला करते हैं कि इनको जो जिनके चोरी डकैती होती है वो बंदों को, चोरों को देखते हैं या मुल्जमान को देखते हैं, वो खुद फैसला कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो ये हमारी अदालत है, अगर इनकी बेल अगर आपने मंजूर कर ली तो कल आएंगे फिर ये चोरी करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जो मुल्जिम साइड के वकील थे वो कह रहे हैं देखें जी ये जो बरामद शो कर रहे हैं कि फलां सोना फलां फलां पैसा फलां घर से चोरी हुआ था और फलां फलां मुल्जिम की प्वाइंटेशन पे वो चीज बरामद हुई तो वो तो नहीं हो रही, उसमें आप देखें डॉक्यूमेंट से कहीं मैच नहीं हो रहा। अब जज साहब ने रिमार्क्स दिए और बेल डिसमिस कर दी कि देखें जी वो जहां मुल्जमान लेके गए थे सामान यहाँ से चोरी करने के बाद जिस जगह उन्होंने जाके रखा था पुलिस ने बरामद वहीं से किया है, लेकिन पुलिस ने शो किया है कि उन्होंने कराची के फलां इलाके से बरामद किए। ये तो हमारी पुलिस की जो है वो गफलत लापरवाही या नाअहली है जिसकी वजह से अच्छे केस को भी पुलिस ने खराब कर दिया। मैं बेल डिसमिस करता हूँ। वो आप जज साहब ने क्यों की हुए की क्यों है बेल डिसमिस, वो इस वजह से कि जज साहब वो डॉक्यूमेंट पढ़ के आए हुए थे, पूरी फाइल पढ़ के बैठे हुए थे कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, लेकिन हमारी प्रोसिक्यूशन और जो पुलिस है वो उस अंदाज से केस ना बनाती है ना पेश करती है, क्योंकि जज ने देखा कि केसरा चोरी चोरी डकैती कराची के इलाकों में होती है इस तरह घरों में मुलाजमत हासिल करने के बाद, तो उसके बाद वो मुल्जमान बेल डिजर्व नहीं करते। अदालत ने एक करेज का मुजाहरा करते हुए और अपनी एक बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन मुल्जमान की बेल डिसमिस की। तो इसी तरह दुआ जहरा का केस हो या कोई और केसेस हो जहाँ पे ह्यूमन एंगल भी बहुत ज्यादा, आपको पता है अदालत में कौन जाएगा, जिसको कहीं ना कहीं मासरे का सताया हुआ आदमी तो अदालत में जाता है इंसाफ के लिए, तो अदालत को एक हिम्मत का मुजाहरा करके उसको इंसाफ देना चाहिए। अदालत के इख्तियार में सब कुछ है लेकिन करते नहीं है। जी अच्छा अब हम जरा अक्यूज्ड के साइड पर आते हैं, जो मुलजिम है उसके साइड पर। आपको ऐसा लगता है कि ये इनके पीछे भी कोई पॉलिटिकल नेम है, या इनके पीछे भी कोई, अगर पॉलिटिकल नहीं तो कम से कम कोई पावरफुल कोई शख्सियत है पीछे जो इन्हें सपोर्ट दे रही है? क्योंकि ऑनेस्टली वो जो शुरू में हमें सुनने को आ रहा था कि वो किस तरह उनकी वालदा जहाँ काम करती थी, और जो मुलजिम का जो भाई है जो कि खुद मुलव्वस है इसमें, वो भी मुलजिम है, वो जहाँ काम करता था, ये जो लड़का है ये तो खुद जॉबलेस था, तो इस कदर पैसे आना उन लोगों के पास और इतना ज्यादा मतलब अपनी एक टीम को बड़ा करना, बड़े से बड़ा तर करते जाना वक्त के साथ साथ, तो ये तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की भी इतनी हैसियत नहीं होती है। यानी कि आप और हम भी अगर कोई केस लड़ने जाएं तो हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं है कि हम बर्दाश्त कर सकें ऐसे एक्सपेंसेस। फिर वो लाहौर के रिहायशी हैं,
अब कराची के अंदर है, वहां पे भी उनके अपने एक्सपेंस होंगे, 3 लोग उनकी फैमिली के इधर हैं, बल्कि 5 लोग आई थिंक, निका खां और गवा भी उन्हीं के साथ होते हैं, उनकी आधी फैमिली लाहौर में है, उनको भी देख रहे होंगे। तो ये पैसा आना कोई आसान बात नहीं है। प्लॉट बेच दिए होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने के उनके प्लॉट गए होंगे, कब तक चलेगा पैसा? मैं आपको इस वक्त एक मतलब हाइपोथेटिकली एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मतलब ये फैक्ट से हटके, कि लगता है आपको कि कोई पॉलिटिकल फिगर या एटलीस्ट कोई पावरफुल फिगर पीछे से है इनके साथ जो इनको सपोर्ट कर रही है? जी देखें, जिस तरह इन्होंने वारदात की है और जो एविडेंस पे आई है, और अब तक बहुत सारी चीजें जो पब्लिक नहीं हुई, वो कुछ वजुहात हैं जिसकी वैसे भी पब्लिक नहीं की जा रही, उससे लगता है कि ये अकेले नहीं है, ये लोग जो हैं वो अकेले नहीं है और इनको सपोर्ट जरूर थी। जो वारदात करने वाले थे ये तो 3-4 जो माँ और बेटे शामिल थे, इसके बाद फिर लोगों की और हमदर्दियां शामिल होती गई और इस तरह ये इनका जो पैमाना है वो बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है कि एक नुक्ता नजर है कुछ लोगों का, एक मकतबे फिक्र भी आप कह सकते हैं, एक वो है मसलक के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई 100% अगर मेहदी काजमी साहब को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ फीसद लोग उनको भी उनके मकतबे फिक्र के हिसाब से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर रहे हैं और हर लिहाज से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, खुद भी आप हम एक शहर से दूसरे शहर जब सफर करते हैं तो किस तरह मुश्किल हालात होते हैं, और यहाँ पर आपने कोई 10-12 किस्म के वकील हैं उनको आपने रखा हुआ है, आप उनको उनको अफोर्ड भी कर रहे होंगे, और ये आजकल जिस तरह हर मामले में महंगाई है तो वकला भी उनकी फीसें भी बढ़ चुकी हैं, अब मुफ्त में तो केस आपके लड़ नहीं रहे होंगे, और उसके बाद फिर रिहायश, रोजाना की जो समातें होती हैं, जिस तरह मेहदी काजमी जाके अदालतों में पेश हो रहे हैं उसी तरह उनको भी सामना अदालतों का करना पड़ रहा है। तो इतनी मामूली बात नहीं है कि उनको कोई सपोर्ट ना हो, और खुद ये वो फी सबीलिल्लाह सारे काम करवा रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं है। उनको हर तरह पे और हर तरह से क्या हर सतह पर उनको सपोर्ट जरूर है, चूंकि वो एक तो सरकारी मुलाजमत जो करते थे, निकाह खान या गवाह में से एक बंदा है जो सरकारी मुलाजमत करता है, और दूसरा शब्बीर और उसकी वालदा वहां सरकारी मुलाजमत करती है, उससे क्या उनको तनख्वाह मिलती होगी, जिस तरह का उनका ग्रेड है उस हिसाब से, तो अगर उन्होंने जिंदगी भर अगर कुछ अच्छा खासा उन्होंने उस जगह पर जॉब वाली जगह पर अगर उन्होंने टाइम लगा भी लिया है तो उन्होंने क्या बना लिया होगा, वो तो उन्होंने फरोख्त कर लिया। तो अब उनको जिस तरह उनकी अब पहले की नस्बत आप कुछ डील डाल और सारी चीजें तब्दील हो गई हैं, तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अगर अब पब्लिक कर दी जाए या थोड़ा सा उनके ऊपर बता दिया जाए कि फलां फलां लोग भी फलां फलां इनका तरीका वारदात और इस तरह लोग मुलविस है, तो शायद वो कबल अज वक्त हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र, इसलिए कि बच्ची महफूज तरीके से माँ बाप के पास जाए, उसके बाद जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल में ही सारी चीजें रखी जा सकती हैं कि मुल्जमान ने किस किस तरह वारदात की थी और उनका जो ये जुर्म है कितना बड़ा जुर्म था और उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, वो एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश की जा सकती है। मेरे ख्याल में मीडिया पे पब्लिक करना शायद कबल अज वक्त हो जाएगा। मेरे 2 सवाल एक साथ में आपसे करती हूँ। एक है लॉयर्स के ऊपर, देखिए हम देखते हैं क्योंकि मैं भी सेम फील्ड से हूँ, लॉ की, तो देखिए डिफेंड टीम एक होती है, मुलजिम को डिफेंड करने के लिए एक टीम हायर की जाती है, लेकिन उनको भी पता होता है कि सामने वाला जो है वो मुलजिम है, उसने जुर्म किया है। वो ज्यादा से ज्यादा ये करती है कि एक अच्छी सी प्ली डील करा देती है, जिसके अंदर ये होता है कि आपने मतलब ये कि आप अपने जुर्म का इतराफ कर लीजिए तो इतने साल की सजा के बजाय आपको इतनी हो जाएगी, और इतना मतलब आप फाइन दे दीजिएगा, फिर बाहर आ जाइएगा, लेकिन अपना जुर्म मान लीजिए। यहाँ पे तो डिफेंड टीम इसी तरह काम करती है, और इवन यूएसए और कनाडा के अंदर मुजरिम को मुजरिम रखते हुए कोई प्ली डील सामने लेकर आती है। लेकिन ये चीज मैंने पाकिस्तान में देखी है कि पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सिनेरियो है, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि 10 10 12 12 लॉयर्स हैं उनका, ये या तो हकीकतन वो इस बात को मानते हैं कि ये मतलब ये कि ये जो लड़का है जहीर अहमद ये ठीक है तो इसलिए वो इतने दिलो जान से लड़ रहे हैं, नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब किस किस कैरेक्टर के लोग होते हैं जिनका दिल करता है ऐसे लोगों को डिफेंड करने का, और इस हद तक जाके डिफेंड करने का कि वो एक आध दफा केसेस भी ऐसे हो गए हैं कि वो लड़ने के लिए तैयार हो गया था, बदतमीजी कर रहा था चाइल्ड प्रोटेक्शन के स्टाफ से। तो ये एक चीज, और दूसरा इसी से कंटिन्यूशन में एक और सवाल ये कि जो अक्यूज की एक मीडिया सेल है जो हमें नजर आती है यूट्यूब के ऊपर, क्या
क्या ये भी एक्चुअली में बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि ये मुजरिम नहीं है या ये जानते हुए भी सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं एक चीज बताऊं, मैं शाहिद हुसैन हूं और मैं सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखता हूं, ठीक है। जी और मेहदी काजमी साहब आपको पता है, अहले तशी, उनका पूरा खानदान अहले जी तशी है। अच्छा, जी जो फैक्ट्स मेरे सामने आए, मैंने वो सारे फैक्ट्स उसी तरह ही रिपोर्ट किए जो एक केस की हद तक हमें रिपोर्ट करने चाहिए। अच्छा, अब जो कुछ और लोग हैं जिनके बारे में तासुर ये होता है कि ये मेहदी काजमी को सपोर्ट कर रहे हैं, महज इसलिए कि मेहदी काजमी अहले तशी हैं, इसलिए उनके मौकफ को गलत होने के बावजूद लोग समझते हैं कि सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है, लोग फैक्ट्स की बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहे हैं, अहले तशी होने की वजह से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके साथ साथ जैसे मैंने बाबर सलीम का आपके सामने तस्करा किया, वो भी अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह अहमद शेर जट साहब हैं, वकील हैं, और जिब्रा नासिर वकील है, वो अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं और वो इस तरह सपोर्ट करें। लेकिन जो अदर साइड है उनका, उनको पता है कि मुल्जमान ने क्या जुर्म किया है, उनके वकीलों को भी पता है कि उन्होंने क्या जुर्म किया है, और उनके सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको भी पता है कि क्या जुर्म किया है, और सब कुछ जानने के बावजूद वो जानबूझ के इस तरह केस को खराब कर रहे हैं कि उनको पता है कि अगर, आपको पता है कि बहुत सारे मतलब हमारे पाकिस्तान में भी और इस तरह बाद आपको क्लिप जो है वो सुनने को मिलते होंगे, वो कहते हैं जी हम जिहाद कर रहे हैं। ये पता होने के बावजूद वो गलत है, लेकिन उनका क्या मानना होता है कि हम जिहाद कर रहे हैं। तो ये वो लोग अपने हिसाब से जिहाद कर रहे हैं कि हाँ ये लड़कों ने किया जुर्म है, मतलब जो फैक्ट्स पब्लिक के सामने उन्होंने अपने तौर पर रखने की कोशिश की वो वैसे फैक्ट्स नहीं है, यानी कि बच्ची को अगवा भी किया गया, बच्ची माइनर भी है और सारे हर जगह जाके झूठ बोला, उम्र भी गलत लिखवाई, उसके बाद पुलिस के स्टेटमेंट और जहां जहां जो स्टेटमेंट देते रहे वो सारे गलत है, लेकिन चूंकि वो उनके मसलक से है, उनके मकतक बेफिक्र से है, वो इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को आगे एक परसेप्शन देते हैं कि देखें जी हम हक और सच पे खड़े हुए हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह वकील भी और इसी तरह उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो उसी हिसाब से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं, और इसके अलावा कोई दो राय नहीं है, वो 100% इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि इन्होंने क्या गलत काम किया है और कितना बड़ा गलत काम किया है, ये जेन्युइनली बात है। और मतलब मैंने इब्तिदा में बताया आपको इसलिए कि बहुत सारे लोग अपने मसलक की वजह से, उनको पता होता है कि वो गलत होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा मसलक ये है और मैं कहता हूँ कि ये सच्ची बात ये है, मैं इस वजह से ये सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने ये बताने का भी इसलिए जरूरी समझा कि लोग जो देख रहे हो या सुन रहे हो उनको भी पता चले कि ये लोगों ने एक हवा बना दी है, माहौल बना दिया है, लोग राइट के साथ राइट होकर नहीं खड़े हुए, वो एक अच्छी चीज के साथ गलत पेश होके लोगों को तासुर दे रहे हैं कि हम सही खड़े हुए, सही रास्ते पे खड़े हुए, हालांकि उनको पता है कि इनके बच्चे के साथ गलत हुआ है। सही। अच्छा ये बताइएगा शाहिद हुसैन कि कोर्ट के अंदर जो एक एप्लीकेशन हम जैसे डालते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो एक टाइम पे जो एक एप्लीकेशन डाली जाती है उसकी फीस क्या होती है? ये मुझे आपसे जरूर एक सवाल पूछना था, मैंने कहा मैं पूछूंगी जब आप आएंगे नहीं, तो। वो जी अलग अलग चीज अलग अलग है, वैसे कोई बहुत भारी कोई फीस नहीं है, मतलब वो तो वकील, फिर वो कहते हैं कि वकील हमारे यहाँ इस तरह होते हैं कि उनको तोड़ना कैसे है किसी को, वो कितने में अच्छा टूटेगा, आगे पार्टी कितनी बड़ी है और कितनी कमजोर है, तो इस हिसाब से कर लेते हैं। वैसे इतना मामूली होती है, वैसे इतना ज्यादा इन पर्सन भी केस लड़ सकते हैं आप जाके, मामूली फीस जो कोर्ट की फीस होती है इसी तरह 150, 200, 400, 500 इसी तरह आप जाके फाइट सही। कर सकते हैं। और ऐसा होता है पाकिस्तान में कि अगर किसी अक्यूज के पास खुद का वकील नहीं है, वो वकील नहीं कर सकता, तो फिर उसे एक वकील दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ ऐसी बिल्कुल सपोर्ट दी जाती है? बिल्कुल, अगर कोई सजा हो गई है किसी को तो उसके बाद फिर वो जेल में है, तो वो अपील भी सरकार के खर्चे पे उसको कोर्ट वकील करके देती है, वो अपना केस लड़ सकता है और जनरली लड़ेगा वो केस, मुकम्मल तौर पर ऐसे वकील करके दिए जाते हैं जिनकी किरदार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता हो। और अगर कोई मुलजिम है तो अंडर ट्रायल है, वो अभी उसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, तब भी अगर वो चाहता है कि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं है, तो एक तो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जो सरकार की साइड की पैरवी करते हैं, दूसरा एक नॉर्मल वकील आपको अलग से करके दे दिया जाएगा जो मुल्जिम साइड की वो करेगा, मुल्जिम ठीक है या गलत है, वो ट्रायल जब मुकम्मल होगा उसके उसके ऊपर कोर्ट जो है मेरिट पे फैसला करेगी। ये ट्रायल कोर्ट्स में भी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यही कुछ है कि अक्यूज को सरकार के खर्चे पे वकील करके दे दिया जाता है और वो मेरिट पे केस लड़ता है। सही। अच्छा शायद भाई मुझे ये आप बताइए कि आप जो रिपोर्ट करते हैं, आप कोर्ट रूम में से जब बाहर निकलते हैं आपकी एक वीडियो आती है, उसमें आप रिपोर्ट करते हैं कि जी ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था,
उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद एक ऑर्डर सामने आता है, आप उसकी भी उसको भी बताते हैं कि जी ऑर्डर के अंदर ये लिखा है, तो जो आपने पहले रिपोर्ट किया होता है वो और जो ऑर्डर बिल्कुल डिटो एक जैसे होते हैं, तो इतनी परफेक्ट आप कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, बिल्कुल प्योर, बगैर किसी झूठ के, बगैर किसी एडिशंस के या कुछ ड्रामेबाजी के बगैर, इतनी परफेक्ट आपसे रिपोर्टिंग कैसे हो जाती है? यानी कि आप, मैंने इतना नोट किया, मैंने कहा कि अगर आप ये बता रहे हैं इसका मतलब ये कि आप ऑर्डर आने का जरूरत नहीं है, वो पता है कि उसमें ऑर्डर में क्या लिखा होना है, तो इतनी परफेक्ट रिपोर्टिंग आप कैसे कर पाते हैं? यानी कि गलत वाह, कभी भी मैंने नहीं देखा कि कुछ उसमें मिस्टेक हुई हो या कुछ हुआ हो, ऑर्डर बिल्कुल आपकी रिपोर्टिंग के हिसाब से आता है। जी देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको। मतलब आप लॉ से हैं और आपको आपकी जब जिस चीज से दिलचस्पी हो तो उसके बाद फिर जी आप उस दिलचस्पी से ही उस चीज को रिपोर्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर आपकी जी दिलचस्पी ना हो तो फिर आपके वो कहते हैं कि सर के दूसरी तरफ से चीज गुजर जाएगी। तो हाँ हमारी क्योंकि जो केस खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे होते हैं सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, हमारा एक प्रोफेशन है। एक 2008-09 से हम इस प्रोफेशन में, और वो टीवी चैनल्स पे और अगले दिन वो तमाम अखबारात में भी छपेगा। तो वो उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर रिपोर्ट नहीं करूंगा तो जो जो उसको रिपोर्ट करेगा, मतलब अगर एक टीवी पे आप एक खबर देखते हैं तो वो तमाम टीवी चैनल पे वो सेम खबर चल रही होती है। अखबार आप में भी तकरीबन अल्फाज ऊपर आगे पीछे या उसकी कुछ लिखा ही आगे पीछे हो जाए लेकिन खबर सेम होती है। तो वो अगर वो हर किसी का अलग अलग टीवी चैनल का रिपोर्टर वहां उस कोर्ट रूम में मौजूद नहीं होता, उनको पता है कि अगर शाहिद हुसैन या मिसाल के तौर पर कोई दूसरा तीसरा कोई अगर है तो मुकम्मल तौर पर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुकम्मल तौर पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो परफेक्शन के साथ इसलिए रिपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि हमें सिर्फ यूट्यूब पे लोगों को गुमराह करके उसका फायदा नहीं लेना, हमने अपनी एक प्रोफेशनल जॉब के हिसाब से देखना है और उसका हमने जवाबदेह होना है। अगर टीवी पे कोई खबर फ्लैश होती है तो वो इदारा तो हम पे ट्रस्ट करता है, एक भारी तनख्वाह दे के हमें उसने हायर किया हुआ है, हजारों लोगों में से चुन के उन्होंने हमें रखा हुआ है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर हम वहां गलत बयानी करेंगे तो टीवी चैनल को भी भुगतना पड़ता है, लॉस तो है ना, मतलब अगर गलत चीज रिपोर्ट होगी तो उसके बाद फिर जी उस टीवी चैनल को भी भुगतना पड़ता है, हमारे न्यूज रूम से लेके रिपोर्टर तक एक एक को कानून की गिरफ्त में आना होता है। तो एक तो वो चीज, दूसरा चीजों से अगर आपकी दिलचस्पी है तो कोई चीज आपसे मिस नहीं होगी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम चीजों को कम रिपोर्ट करें लेकिन ज्यादा रिपोर्ट ना करें जो आपके कल को आगे गले पड़ जाए। और आपने चूंकि ये केस देखा, इसके अलावा हम तकरीबन 8-10-12 खबरें डेली रिपोर्ट करते हैं और यही होती है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हमें किसी की तरफ से कोई कॉल आई हो या किसी ने ये कहा हो कि आपने आज खबर फलां फलां जो थी वो गलत रिपोर्ट की है। और जो चीज होती है वही रिपोर्ट करते हैं। और जो हमारे यहाँ अदालतों में तो शायद आपने देखा हो कि जब ये केस सारा प्रोसीड हो जाता है, दोनों तीनों साइड्स के जो आर्गुमेंट है वो मुकम्मल हो जाते हैं तो जज साहब ओपन कोर्ट में स्टेनो को ऑर्डर लिखवाते हैं, एक ऊंची आवाज में ऑर्डर लिखवाते हैं कि फलां फलां को सुना, फलां फलां को सुना, फलां 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 ये ऑर्डर है, और ये सारा कुछ नोट करने के बाद वो रख लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरा केस चला, फिर तीसरा केस चला, इसके बाद फिर वहां जब ये लिखवा रहे होते हैं ओपन कोर्ट में, हमारे अलावा सभी सुन रहे होते हैं, तो वो जी जब स्टेनो नोट कर रहा होता है तो फिर हम भी उसी तरह नोट कर रहे होते हैं कि जैसा जी आपने ये भी लिखवाया, ये भी लिखवाया, ये भी लिखवाया। तो उसके बाद फिर फेयर जब ऑर्डर होके आता है तो तकरीबन वही चीजें होती हैं जो हम रिपोर्ट कर चुके होते हैं। सही। अच्छा शायद मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि मैं आपसे वो जो फीस वाला सवाल पूछ रही थी, अब उससे रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप चाहें तो इस बात का जवाब नहीं दीजिएगा, लेकिन ये मैंने अपने दूसरे मेहमानों से भी पूछा था और हम लोगों ने एक पॉडकास्ट की थी जनरल पब्लिक के साथ, तो उसमें भी ये सवाल रखा था। सवाल ये था क्योंकि कोर्ट, पुलिस, लॉयर्स, ये सब एक्सपेंसिव होते हैं। अब मेहंदी काजमली के केस के अंदर तो जिब्रान नासिर जो है वो प्रोबोनो काम कर रहे हैं, बट अदरवाइज बहुत पैसा लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि हमें चाहिए कि हर बंदा जिसकी बच्ची किडनैप हुई है या खुदा ना खास्ता आगे जाके कुछ ऐसे केसेस सामने आए, तो वो बिल्कुल मेहंदी अली काजमी की तरह जो है साबित कदम जो है वो खड़े रहे, तो उसके लिए ना कि सिर्फ दुआओं की जरूरत होती है बल्कि उसके लिए फिर आप मॉरल सपोर्ट के साथ साथ एक फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है फैमिलीज को। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सपोर्ट फैमिली को देना गलत है या देनी चाहिए, या मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी
देखें, एक चीज है कि पाकिस्तान की अदालतों से अगर कहते हैं ना कि आपको इंसाफ चाहिए, अक्सर हमारे सीनियर वकला भी ये बात करते हैं और हम भी जो लोग मायूस से आते हैं तो उनको यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की अदालतों से आपने इंसाफ लेना है तो आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र होनी चाहिए, आपकी जितनी उनकी उम्र थी उस हिसाब से जी आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके जी लोहे के जूते और कानून का खजाना हो आपके हाथ में, तो फिर अदालतों से इंसाफ लेने के लिए आप फाइट करें, आप आ जाए मैदान में। कई जी केसेस ऐसे हैं जो हम साल साल रिपोर्ट करते हुए हैं, तीन तीन नस्लें इस दुनिया से चली गई हैं लेकिन आज तक केसेस के फैसले नहीं हुए। आपको शायद हैरानी होगी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और फातिमा जिना का केस अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे वो आज भी इसे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसका अब तक फैसला नहीं हो सका, उनकी जायदाद की तकसीम किस तरह होगी अब तक फैसला नहीं हो सका। तो ये हमारे लिए एक बायसी शर्म है कि उनके जिन जो बानियान पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनके मामलात को अभी तक हैंडल नहीं कर पाए। वो आपकी मेरी या किसी और की जिम्मेदारी नहीं, इसी हमारे निजाम की जिम्मेदारी है जिन्होंने इसको उनको काय तकमील तक पहुंचाना है। मिसाल के तौर पर एक वकील है जो चाहते हैं कि ये जायदाद की जो तकसीम होगी वो इस तरह होगी, उसके अंदर वो कानून का कुरान और सुन्नत का हवाला दे रहे होते हैं कि तकसीम कार इस तरह होनी चाहिए और होने का तरीका कार भी यही है, लेकिन उसकी मुखालफत साइड में कौन है, सरकार है जो उसमें रोड अटका रही है, वो अब तक नहीं हो पा रहा है। कहने का मकसद ये है कि कहीं सरकार इस साइड से रोड अटका रही होती है, कहीं सरकार दूसरी तरफ से रोड अटका रही होती है, ये नहीं हो रही कि उसको फेयर तरीके से चलने दिया जाए और फेयर तरीके से अदालत उसको फैसला कर दे। एक जगह से अगर कोई फैसला आता है उसके कानून में इतनी गुंजाइश है कि आप उसी फैसले के खिलाफ दूसरी अदालत में चैलेंज करें, वो पुरानी वाली जो आपकी कार्रवाई थी वो पेंडिंग हो जाएगी, फिर नई कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इस तरह साल साल केसेस चलते रहते हैं। माँ बाप को चलते देखें, जो मुतासरा फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, सपोर्ट की जरूरत भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो उनको सपोर्ट की जरूरत है वो आम आवाम की जरूरत नहीं है, रियासत को सपोर्ट करना चाहिए उनको, रियासत ही उनको कानून के मुताबिक हर किस्म की सपोर्ट फराहम करें ताकि कोई बगैर इंसाफ के मायूस होकर अपने निजाम से बाहर ना जाए, अपनी बेटियों को, अपने घर को, अपने खानदान को इस निजाम के अंदर महफूज समझे अवाम के बजाय। अब आप दुआ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करें, लेकिन दूसरी तरह अगर कहें कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करनी चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब अमल है। अच्छा, आप शाहिद भाई केस से कब जुड़े, ये मेरा पहला सवाल था, लेकिन हम लोग अपने ट्रैक पे निकल गए तो फिर ये सवाल कहीं चला गया। आप इस केस से इतना मतलब क्लोजली कब अटैच हुए, क्या चीज थी वो जिसने आपको मजबूर किया कि इस केस से आपकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो गई? जी जो जो मुल्जमान साइड को के मौकिफ को कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं और वो मतलब वो समझते हैं कि जो कुछ हो गया सो हो गया, जाने दें, तो वो मुझसे आज भी सवाल करते हैं कि तुम्हारे कब तुम्हें ये चीज लगी कि मेहदी का आदमी सही है और मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें कब ऐसा महसूस हुआ? तो मैं कहता हूँ यार, वो बंदा रो रहा होता है और बंदे की कोई एक बात, मैंने अभी कल परसों भी एक वीडियो में तस्करा किया कि जिस दिन मुझे पता चला या जिस दिन मुझे ये फील हुआ कि मेहदी कादमी साहब ने या उनके किसी लोगों ने हमें यूज किया, तो मैं उस दिन केस ये छोड़ दूंगा रिपोर्ट करना। लोग इल्जाम लगाते हैं, आपको भी पता चलता होगा क्या कुछ नहीं इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जी मामला जी ये है कि इस जो अप्रैल का महीना तो चूंकि ये शुरू वाला तो वैसे गुजर गया था उनका, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, ये इस तरह तो मेरे ख्याल जी में ये मई जो अप्रैल का खत्म हुआ, 30 अप्रैल या मई का जो फर्स्ट था या 2 मई थी, तो मेहदी कादमी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि बच्ची को बाजियाब कराया जाए। हफ्ते का रोज था, मेहदी कादमी साहब आए और उसके बाद फिर उन्होंने दरखास्त दायर की, मुझे पता चला कि मेहदी कादमी साहब आए और चले भी गए, तो इनसे मेरी दुआ सलाम तो नहीं थी, नाम जान पहचान थी, तो मैंने वो एक जगह एफिडेविट ब्रांच है वहां से एफिडेविट कराते हैं, उसके बाद फिर दूसरी जगह आप केस फाइल करते हैं और उसके बाद फिर वो आप चले जाते हैं, फाइल जो है वो अदालत के अमले के पास आ जाती है। तो फिर मुझे जब जैसे इंफॉर्मेशन मिली तो मैं भागता वहां गया उस अदालत के सेक्शन में कि मुझे पता चला है कि ये पिटीशन फाइल हुई है, तो कहा बिल्कुल हुई है, तो मैंने वहां उस दिन न्यूज बनाई और उसके बाद उसी दिन हम जो है वो हमने रिपोर्ट करना शुरू किया। तकरीबन दूसरी या तीसरी डेट पे या चौथी डेट थी, इस तरह मेहदी कादमी साहब आते थे जाते थे और लोग जो है उनकी वीडियोस बनाते थे, उनसे शॉर्ट ले लिया, छोटा इंटरव्यू हम शॉर्ट उसको छोटा छोटा क्लिप ले लिया मोबाइल से कि आप क्या कहते हैं, क्या पता चला, ये वो। तो इसके बाद तीसरी चौथी डेट से जो जब वो ये केस चल रहा था उनका, तो उसके बाद जब करीब से गुजरे तो मैंने उनसे सलाम किया और मैंने कहा भाई साहब ये वो, तो आपने ये देखा? उन्होंने कहा भाई मैं आपको जानता हूँ और मैंने आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे इस तरह सपोर्ट करते हैं, आपकी मेरी से जान पहचान नहीं है। तो मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि ये देख रहे हैं, सबको देख रहे होते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर और जो जो बिलाल भाई का नाम लेते हैं लोग, बिलाल जो है वो मुखालफत क्यों करते हैं, नाम आपने सुना होगा शायद आप उनकी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो बिलाल से मुखालफत क्यों हुई, मैं अगर आपको वो सवाल नहीं है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि, बताइए। और आपको पता है कि ऐसी हाड़ा हुड़ी थी कि तकरीबन कोई
300-400 मीडिया के लोग थे, पुलिस वाले थे, इसी तरह इनके खानदान के लोग थे और कई ऐसे लोग थे जो आज भी इस केस को फॉलो करने के लिए बाकायदा अदालतों में आते हैं। अब क्या दिलचस्पी है ये नहीं पता, लेकिन आते हैं, फैमिलीज भी आती हैं सिर्फ देखने के लिए कि क्या हो रहा है आज की डेट में क्या हुआ है। जैसे ही जस्टिस जुनेद गफ्फार की कोर्ट से हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरे, मीडिया लगा हुआ था और मैं एक आदमी था, भागे कि मैं अब मीडिया के सामने जाके बताऊं कि मेरी बेटी मेरे साथ जाना चाहती थी और मुझे नहीं जाने दिया, बेटी को मेरे साथ नहीं सही से मिलने दिया और मेरी मतलब उनका जो मौकफ था वो मीडिया के सामने रखना चाहते थे। बिलाल साहब ने सबसे पहले सवाल किया, जी मेहदी साहब आपकी बेटी तो आपकी नहीं बनी, तो आपकी बेटी तो अब चली गई, उसने आपसे नहीं मिलना चाहती और वो आपके पास नहीं जाना चाहती। तो मैदिक आदमी साहब ने चूंकि एक तो अदालत में जो कुछ उनके साथ हुआ, यानी कि उनकी बेटी को जाने दिया गया, पुलिस वालों ने जो कुछ उनके साथ किया और उसके बाद सारा कुछ करने के बाद फिर यहाँ पर एक जहरीला सवाल मैं आपसे करूं और फिर आपकी फीलिंग क्या होगी, यही होगा आप आगे से सख्त जवाब देंगे। ज्यादा से ज्यादा ये था, मैदिक आदमी साहब ने रोस्टम पे तमाम मीडिया उनके कैमरे ऑन थे तो उन्होंने कहा आप भी तो यही चाहते थे, बिलाल साहब को उन्होंने जवाब दिया कि आप भी तो यही चाहते थे। और ये वो दिन था जिसमें बिलाल साहब ने फिर उसके बाद फिर खुल के मुखालफत उनकी शुरू कर दी और बहुत सारी चीजें, मेरे वो सीनियर हैं मेरी मतलब वो अखबार में थे, एक बड़े जंग अखबार में थे, मैं उस वक्त धूम टीवी और कौमी अखबार में था और अच्छा टाइम गुजरता है, आज भी अच्छे वो गुजरता है, लेकिन उनका नुकता नजर अलग है, मेरा नुकता नजर अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको नहीं रिपोर्ट करनी, मतलब बढ़ा चढ़ा के खाम खा पेश करना और तोहमते लगाना, मतलब 99% में 100% आपको दावे से कह सकता हूँ कोई एक बात इन साइड की इस साइड की सच्ची नहीं होती जो लोगों के ऊपर तोहमत लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा वो कि जिस ये फोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ये कहा गया कि जी ये फोन आपको गिफ्ट के तौर पर दिया गया, हालांकि बिलाल से मेरी सैलरी बोल टीवी में अच्छी है, बल्कि जितने भी कोर्ट रिपोर्टर यहाँ कराची में काम कर रहे हैं सबसे अच्छी सैलरी मेरी है, इस वजह से कि इस लगन की वजह से जिस तरह मैं मेहनत से अल्लाह का शुक्र करता हूँ तो अच्छी मुझे तनख्वाह मिलती है और यूट्यूब जो है वो सब जिस तरह मैनेज कर रहे हैं उसी तरह मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन एक खाम खा की तोहमत लगा देना कि जी फलां को ये मिल गया फलां को ये मिल गया, जितने भी लोग मेरे साथ अटैच होते हैं या जितने लोग इस मैदिक आदमी साहब के काज को सपोर्ट कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूं, कभी भी किसी ने एक टके का कोई मैदिक आदमी से फायदा नहीं लिया, सब और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है कि जब एक कोई एक ट्रेंड चल रहा हो सोशल मीडिया के ऊपर, कोई खबर ज्यादा देखी जा रही हो तो उस पर आपको पता है कि ये दिल में भी बात आती है और दिमाग में भी आती है कि इसका मेरा मुझे फायदा है तो मैं उसको ज्यादा रिपोर्ट करूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो उसका आपको पता है कि इनकम कहाँ से आती है वो आप भी जानते हैं, इस वजह से लोग शायद करते हो, लेकिन 99% लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत को भी दाव पे लगा के मैदिक आदमी साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, मैदिक आदमी साहब की कोई बात झूठी साबित नहीं हुई आज तक किसी भी रिकॉर्ड पे। सही, बिल्कुल सही। सर एमएलओ का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? फिजिकल एमएलओ के लिए उन्होंने दरखास्त दी थी और अब चूंकि जिस दिन ये समाप्त होनी थी, जिस जज साहब के पास समाप्त होनी है वो 8 बार उनके अदालत में ना आने की वजह से, पूरे 8 बार आगे पीछे भी नहीं, पूरे 8 दफा उनके अदालत से छुट्टी कर जाने की वजह से समाप्त नहीं हो सकी। लास्ट अर्जेंसी की उन्होंने दरखास्त दायर की थी, जज साहब नहीं आए तो वो अर्जेंसी भी किसी फायदे की नहीं रही। अब चूंकि 10 तारीख तक जो है वो वेकेशन है, यहाँ पर विंटर वेकेशन है अदालतों में, तो 10 तारीख के बाद फिर दोबारा से अर्जेंसी फाइल करेंगे तो शायद फिजिकल एमएलओ के लिए उन्हीं जज साहब के पास जाए और दरखास्त पे कोई फैसला हो जाए। फिजिकल एमएलओ रुका हुआ है, बाकी जो अदालतों में है वो रोजाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप इस बात पे फैसला होना है कि ये जज साहब जो है फैमिली कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जो इलियास मेमन साहब है ये केस ये सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, इसका जो फैसला है 31 तारीख को होना है, 31 दिसंबर को। बिल्कुल। और सर ये जो अदम एतमाद का इजहार किया गया है उसके ऊपर अब एप्लीकेशन भी रखी गई है कोर्ट के अंदर, तो इसका क्या होने वाला है? लगभग 31 दिसंबर को रखा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरकी की अदालत में, उसमें आज जिब्रान साहब और उनके जो मुल्तमान साइड के वकला थे वो पेश हुए हैं। एक तो थोड़ा सा वो मामला था कि जिसमें जज साहब समय रहते के प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है जिब्रान नासर साहब की, तो लिहाजा वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए फिर आके जो है वो आर्गूमेंट करें, और उसके बाद फिर वकालतनामे का कोई इशू था, तो अब 31 तारीख को जो है वो उसमें प्रॉपर आर्गूमेंट होंगे, तो अदालत अब जिसके आर्गूमेंट से इतफाक करेगी या उनको जिनको बेहतर समझेगी उस हिसाब से 31 तारीख को मुमकिन तौर पर फैसला सकता है। सही। अच्छा आखिरी बात ये आपसे करनी है कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं उन सारे लोगों को जो इतना हसास केस रिपोर्ट करते हैं, इतनी संगीन जुराइम जिसके अंदर लगे हुए हैं केस के अंदर, सेंसिटिव है बहुत लेवल पे, इसमें माँ है बाप है एक कमसिन बच्ची है बहनें हैं दूसरे खानदान वाले हैं सबके सेंटिमेंट्स हैं आप हैं मैं हूँ, तो ये जो यूट्यूबर्स हैं और जो भी जो
जैसे आपके जो कलीग हैं उनके जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, इन सबको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ ऐसी, यानी कि क्या जो अब तक आपने इनसे ना की हो, कोई ऐसी बात जिससे शायद ये सुन के थोड़ा सा इनके अंदर सुधार आ जाए, या ऐसा ऐसी कोई बात जो कि अब जो अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं या जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जैसे मेरे जैसे, क्या आप इनको जो है अपनी तरफ से एक राय देना चाहेंगे कि जब आप ऐसे केसेस रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट ये SOPs फॉलो करें? जी पहले तो आपसे माजरत, क्योंकि हुआ ये है कि आपने 3-4 दिन से आप रابطہ कर रही थी और मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। और जब जी हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो जो नामी गिरामी यूट्यूबर समझे जाते थे, तो हम जी चाहते थे कि अगर उनको हम अपने इस चैनल पे ले आएंगे तो शायद इनकी फेस की वजह से हमारे चैनल पे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे और लोग हमारे चैनल को अहमियत देना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद होता ये था कि उनके पास किसी न किसी वजह से वो टाइम नहीं दे पाते थे, तो हम दिल ही दिल में उनसे नाराज हो जाते थे कि यार क्या है यार, ये टाइम नहीं दे रहे हमें, और वैसे हमसे इनकी अच्छी दोस्ती है, दोआसरा में, और हमें टाइम नहीं दे रहे। तो शायद नहीं आपको भी ये फीलिंग आई हो, लेकिन मैं उसके लिए आपसे माजरत कर रहा हूँ। लेकिन नहीं मैं कोई बात नहीं। जेनवनली जेनवनली ये बिजी था, मैं एक फैमिली में भी इशू था और वैसे भी कुछ काम थे जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे सका। बाकी ये है कि जो शुरू करते हैं यूट्यूब वगैरह, तो हिम्मत नहीं हारनी है आपने। आप अगर शुरू करना है, क्योंकि आप एक टीवी चैनल में कहीं जॉब करते ना, तो उसमें आपने सैलरी लेनी है। आप काम 10% करें या 100% करें, आपको सैलरी मिल जानी है टाइम पे। लेकिन इसके लिए आप सही जितना कहते हैं ना कि गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। जितना जस्तजू सही करेंगे, जितनी अच्छी चीजें लाएंगे, वो चीजें जो पब्लिक इंटरेस्ट की होंगी, और आप फेयरली चीजें करेंगे ना, तो उसके बाद वो चीज ऐसी नहीं है कि लोग आपको देखे नहीं। एक और चीज के हमसे कई ज्यादा मुझसे कई ज्यादा अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छा सुनने वाले हैं, लिखने वाले हैं, लेकिन वो क्योंकि वो कहीं दूर बैठ के वो अपने तजिए तबसे खाम खा के करते हैं, तो जी वो कामयाबी उस हद तक उनको नहीं मिलती जो एक ग्राउंड पर काम करने वाले की वो कामयाबी मिलती है। तो मुझसे वो जी अच्छा लहक लहक से बड़ा जबरदस्त तरीके से वो बोलते भी हैं, लेकिन चूंकि वो ग्राउंड पर नहीं होते और लोग फिर समझ जाते हैं कि असल चीज कौन जनरेट कर रहा है, तो उसको वो कहते हैं उसको ही देख लें, खाम खा की बात सुनने का क्या फायदा। तो इस तरह मतलब उनको नहीं देखते जो खाम खा की बातें करते हैं। आप जेनवन जी चीजें करेंगे तो अल्लाह कामयाब करेगा। दूसरा ये कि जो लोग मुखालफत में अगर किसी हद तक चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मेहदी कादमी साहब से आपको नफरत है तो आप मुखालफत में चले जाएं, किसी हद तक भी चले जाएं, लेकिन ये याद रखें कि एक दिन ये टाइम आपके ऊपर भी आ सकता है। और फिर जो आज इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं या जो हमारे दिलो दिमाग में हमारा ये मान है कि इन सारी चीजों का आखिरत में जवाब देना है, तो उस वक्त हम कहाँ खड़े होंगे? उस वक्त हम क्या अल्लाह को मुंह दिखाएंगे, क्या दुनिया को मुंह दिखाएंगे कि देखिए हम तो बड़े लहक लहक के बड़ा सच बोलते थे और लोगों को आप सच्चा होने का जो है वो एक वो करते थे कि हम जैसा कोई दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो हम झूठ ही बोलते थे। तो वो चीज भी आपको सोचनी चाहिए कि आपने झूठ नहीं बोलना, अगर सच बोलेंगे तो फिर दुनिया आपकी आपको ढूंढेगी और आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आखिरत में भी फायदा होगा और दुनिया में भी फायदा होगा। लेकिन अगर झूठ और मकारी से काम लेंगे, कुछ लोग तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग तो कहेंगे आप सच बोल रहे हैं, लेकिन वो देर पानी होगा, झूठ लंबा अरसे तक नहीं चलता। जी अच्छा शायद हुसैन, हम लोग हमारा यहाँ पे पॉडकास्ट खत्म करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने जा रही हूँ, और कॉम्प्लीमेंट वो ये है कि मेरी दोस्त हैं, माशाल्लाह से अब थी, लेकिन दोस्त है मेरी बहुत अच्छी। एक तो ये कि वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरे साथ को होस्ट हैं सना, उन्होंने कहा था कि आप मेरा नाम लेके उनसे उनको सलाम भी कहिएगा, मेरी दुआएं भी दीजिएगा। और पता नहीं उन्हें ये बात याद होगी या नहीं याद होगी, उन्होंने, हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे एक दफा कहा था कि मैं, यानी कि अगर हर केस के साथ एक शाहिद हुसैन जैसा कोर्ट रिपोर्टर आ जाए, हर केस के साथ जो पाकिस्तान की अदालतों में आता है, तो हर केस अपने अख्तिताम को पहुंचेगा और हर केस के साथ जो है वो हक का फैसला होगा। तो ये उनकी बात थी, तो मैंने कहा मैं आपको पहुंचाऊं, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ये दुआएं भी हैं इसमें आपके लिए। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, अल्लाह ताला आपसे जो काम ले रहा है इस वक्त और इस तरह, जब भी आपकी जरूरत जहां पड़े, मैं दुआ करती हूँ कि आप वहां पे मौजूद हो और इसी तरह जो है सच्चाई का साथ देते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी आपका और आपके उन दोस्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को भी चमकता धमकता रखे, और इसी तरह दूसरों के लिए काम करेंगे तो आपकी दुनिया में भी आपको सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला आपको उसका आखरत में जरूर अजर देगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।